आज हमारे पास ये भी मशीन आया है रिपेयरिंग होने के लिए, तो इसमें दिक्कत है कि प्रॉपर ऑन हो रहा है, घर चेक करवा दे रहे हैं, इसमें आउटपुट नहीं दे रहा है, तो इसे लगा दे रहे हैं, ऑन हो गया और वोल्टेज यहाँ पर जो है मल्टीमीटर को डीसी रेगुलेटर कर दिए हैं, उसके बाद में यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 वोल्ट बता रहा है, यानी ये यहाँ पे ये एम्पीयर भी बढ़ा दिया हूँ, फुल कर दिया हूँ, तब भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये स्पार्क करके भी चेक करवा दे रहा हूँ यहाँ पे, मोटा वायर से भी स्पार्क करके यहाँ पे कोई स्पार्किंग नहीं ले रहा, ये इधर यहाँ पे कोई फर्क स्पार्किंग नहीं ले रहा, यहाँ पे कोई स्पार्किंग नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, ये प्रॉपर ऑन हो रहा है, फ़ैन वगैरह इसका पावर सप्लाई सब कुछ ठीक है, तो अब जो है इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ एसी लाइन को, तो ये डी जो है एसी लाइन को निकाल दिया हूँ, और यहाँ पे जो है IGBT वगैरह एक बार चेक करके दिखा दे रहा हूँ, कैपेसिटर की वजह से ही जो है डिस्चार्जिंग बल्ब से जो है डिस्चार्जिंग के लिए जो है और मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे कर दिया हूँ। अब यहाँ पे जो है IGBT जो है 4 पीसेस में IGBT लगा हुआ है, ये IGBT सही बता रहा है, एक ये भी सही बता रहा है, ये भी सही बता रहा है, ये भी सही बता रहा है। उसके बाद में डायबोर्ड, तो 4 पीस डायबोर्ड भी लगा हुआ है इसमें, डायबोर्ड भी सही बता रहा है, तो इसका डायबोर्ड भी प्रॉपर बता रहा है, IGBT डायबोर्ड ये सारा सही है। अब बचता है कंट्रोल कार्ड, यानी जब हमारा IGBT सही है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो है ये कंट्रोल कार्ड, तो यहाँ पे 2 IC लगा हुआ है, ड्राइवर IC, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारा आ रहा है कि नहीं, जैसे हमारा पावर सप्लाई सेक्शन हो गया ये, तो यहाँ 24 वोल्ट यानी 24 वोल्ट और 15 वोल्ट, तो 24 वोल्ट फैन के लिए चला जाता है और रिले के लिए यहाँ पे जो लगा हुआ है और फैन के लिए, और 15 वोल्ट जो है इस IC पे आता है, इस IC के थ्रू ये दोनों जो IC लगा हुआ है ड्राइवर स्विच करता है, और ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है 30-19 जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये IGBT को ड्राइव करता है। तो यहाँ पे पहले प्रॉपर ये जो है एक्सीलेटर जब काम करेगा तो ये ड्राइव पल्स देगा IGBT को, तभी ड्राइव होगा। तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेंगे एक बार फिर जो है AC सप्लाई देंगे, चालू हो गया ये फैन, और अभी मल्टीमीटर को जो है AC 20 वोल्ट के रेंज में कर लिया हूँ, और यहाँ पे चेक करूँगा ये ड्राइव पल्स आ रहा है कि नहीं, ये तो यहाँ पे 20 वोल्ट के आसपास बता रहा है, और
यानी अब यहाँ ड्राइवर आईसी पे भी चेक कर सकते हो, तो वही जो है वोल्टेज बनने के बाद यहाँ से निकलता है और ड्राइवर पे जाता है। अब इसके बाद में जो है यहाँ पे आईजीबीडी पे आना चाहिए। इस तरफ से एक बार फिर से इसको यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि जो आईजीबीडी लगा हुआ है यहाँ पे, आईजीबीडी पे डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ पहले तीसरे पे। ये तो यहाँ पे प्रॉप ये वोल्टेज नहीं आ रहा है, इस तरफ भी नहीं आ रहा है, तो इस तरफ चेक कर रहा हूँ, इस तरफ भी नहीं आ रहा, यानी दोनों तरफ नहीं आ रहा, तो आईजीबीटी ऑन ही नहीं होगा। तो जब आईजीबीटी ऑन नहीं होगा तो आउटपुट ही नहीं बनेगा। तो और ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा इस पर चेक कर रहा हूँ, इस पर भी नहीं आ रहा है, यानी इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर में ही कुछ दिक्कत है। यहाँ पे 5 वोल्ट ये जो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर में ही दिक्कत है। तो इसके लिए जो है पहले इस सर्किट को निकाल लेते हैं। मेन लीड निकाल दिए हैं और सर्किट को निकाल लेंगे, उसके बाद में आगे देखते हैं सर्किट को। तो यहाँ पे जो है सर्किट निकाल लिया हूँ बाहर। अब ये ट्रांसफार्मर जो है ड्राइवर, इसको बाहर निकालना है। तो यहाँ पे जो है इसका वायर जो है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे तो पल्स आ रहा है, लेकिन जो ड्राइव आईजीबीटी है यहाँ पे, ये ट्रांसफार्मर जो है इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर, इसी से दिक्कत है। बाकी ये यहाँ से तो काम कर रहा है। अब यहाँ पे चेक कर लिया हूँ डायरेक्ट, और प्रोसेस जो है यानी डायरेक्ट यहाँ पे चेक कर लिया, अगर यहाँ पे नहीं आता तो यहाँ पे चेक करता, लेकिन यहाँ पे ये काम कर रहा है इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट चेक कर लिया हूँ। और एक तो ये एक शख्स है जो कमेंट किया था कि कहाँ पे चेक करते हो, उसे दिख नहीं रहा है। तो जिसे प्रॉब जहाँ लगाता हूँ इसे मैं बोलता भी रहता हूँ कि पहले और तीसरे पे बीच में नहीं चेक करना है। अगर आपका मल्टीमीटर बता रहे तो ठीक है, नहीं आप जो है बल्ब से चेक कर सकते हैं। इस तरह से बल्ब से भी चेक करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हर वीडियो में बताता हूँ फिर भी किसी किसी को समझ में नहीं आता है, यानी जब वो कुछ जानता ही नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा। तो ये वीडियो में जो है जो जानकार है उसी के लिए है, और जो नहीं जानता है वो क्या जान पाएगा। तो कहाँ पे चेक करना है इतना तो है कि मैं बोलता भी रहता हूँ, यहाँ पे चेक करना है पहले तीसरे पे, आईजीबीटी पे चेक करना है। और जैसे कि यहाँ पे जो ये दो लूप इसका यहाँ जो लगा था, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे चेक करना है। अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये हमारा ओके है कंट्रोल कार्ड, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम 35-25 आईसी चेक करेंगे, ये ड्राइवर आईसी चेक करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। और रजिस्ट्रेंस है, पीएफ है, जीनर है, डायबोर्ड, उसको चेक करेंगे कैसे क्या है, एक लाइन लेंस से चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर निकाल ले रहा हूँ, ट्रांसफार्मर निकालने के बाद इसमें देख रहा हूँ कि क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे ये ड्राइवर निकाल लिया हूँ, ये इसका नंबर क्या है, 3019 इसमें जो लिखा हुआ है, IS 28926 ये ऊपर लिखा हुआ है, और ये 3019 इसे बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, ये यहाँ पे ये तो इसका ये लेग हटा हुआ है, इसलिए प्रॉपर जो है ये काम नहीं कर पा रहा है। यानी यहाँ से तो आ रहा है और दोनों पे नहीं आ रहा था, यानी इसके इसमें ये दूसरा वाला भी, ये यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे ये भी हटा हुआ है, ये यानी दोनों तरफ का जो है ये यहाँ पे ये दोनों तरफ का तार इसका जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे यहाँ पे जंपरिंग जो है, यहाँ पे एक तार का टुकड़ा लेके यहाँ पे जोड़ के और इसमें लगा के उसके बाद में चेक कर लेंगे, उसके बाद में लगा के आपको चेक करवा रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और बाकी और तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, ये एकदम ठीक है, जला वगैरह नहीं है, बस खाली यही के वजह से जो है ये इसका ड्राइव पल्स नहीं बन रहा था, इसलिए आउटपुट नहीं दे रहा था। इसे हम अभी लगाने के बाद ये दोनों तरफ का
इसलिए अगर एक तरफ इसे लगा देते तो यहाँ से पल्स आता, ड्राई पल्स जो है आता, तो यहाँ पे एक तरफ आता एक तरफ नहीं आता, तब भी आउटपुट नहीं देता, या आईजीबीटी पे प्रॉब्लम भी कर सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन दोनों तरफ का ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जैसे अगर मगर मल्टीमीटर बता रहा है तो ठीक है, यहाँ पे अगर लगा रहेगा तो इस जहाँ पे लगता है तार, नहीं तो बल्ब से चेक करेंगे, ये इस तरह से बल्ब से चेक कर सकते हैं ड्राइव पल्स, और आईजीबीटी पे भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे जो ड्राइव यहाँ पे जो यहाँ इसका सोल्डिंग रहता है वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यानी कई तरीके हैं, मतलब कई सारी जितने भी वीडियो मैं बनाता हूँ ज़्यादातर बता ही देता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों के की समझ में नहीं आता है कितना मैं बताऊँ, एक बार हो दो बार हो बताते बताते जो है खुद थक गया हूँ, लेकिन लोग जानने ही नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को तो दिखता ही भी नहीं कि कहाँ मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये जहाँ ये पॉइंट है जहाँ पे मैं बोलता भी रहता हूँ कि यहाँ पे चेक करना है, जहाँ पे ये इसका लूप लगा रहता है, यहाँ पे ड्राइवर आईसी पे जो ये चारों लेग स्टार्ट रहता है, ये यहाँ पे जो मतलब सोल्डिंग करा रखता है, मतलब यहाँ पे जो सोल्डिंग रहता है, तो वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं यहाँ से पल्स गया, और नहीं तो अगर आप जानकार हैं तो यहाँ से देख लीजिए कि बैक साइड जो इसका कहाँ से यहाँ से चेक कर लें मल्टीमीटर से, ये तीसरा है, ये छठवा है, सतवा है, जैसा भी हो यहाँ से चेक करके पीछे से भी आप इधर से बैक साइड से भी चेक कर सकते हैं। चेक करने के ऊपर ये जिस तरह से आप समझ सकते हैं उस हिसाब से चेक कर लीजिए, और इधर से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ जो रहता है यहाँ पे सोल्डिंग यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद में आईजीबीटी भी चेक कर सकते हैं, जहाँ से आप जो जितना जानकारी उस हिसाब से चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे लगाने के बाद जो है तो इसको लगाने के बाद जो है आपको मैं चेक करवा दे रहा हूँ एक बार बल्ब से भी और मल्टीमीटर से भी। तो ये दो जम्पर यहाँ पे जोड़ के निकाल दिया हूँ, अब इसी में इसको लगा के सोल्डिंग कर दूँगा। यहाँ पे जो है ये सोल्डिंग कर दिया हूँ दोनों तरफ से, तो एक बार मल्टीमीटर से जो हम इसको कंफर्म कर ले रहे हैं प्रॉपर जो है कंटिन्यूटी शो करने के बाद। तो इसको भी चेक कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ये भी कंटिन्यूटी बताना चाहिए, ये भी आ रहा है, अब इसे यहाँ पे लगा दे रहे हैं, उसके बाद में आपको चेक करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको लगा दे रहे हैं और सोल्डिंग करके जो है यहाँ पे इसको लगा दिया हूँ ये, और इसको सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग करना है, सोल्डिंग हो गया यहाँ पे, और पेट्रोल से इसको जो है यहाँ पे साफ कर दूंगा। अब बचा ये वाला, तो इसको भी लगा दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि फाइनल हो जाए। यहाँ पे इसको भी लगा दे रहा हूँ, ये यहाँ पे ये भी दोनों लूप इसका लगा दिया हूँ, थोड़ा साफ कर दिया हूँ ये, अब ये हो गया। अब यहाँ पे जो है ये इसी तरह से जो हम अभी चेक कर लेंगे बाहर ही, और आपको वोल्टेज भी चेक करवा दे रहा हूँ, और उनको भी चेक करवा दे रहा हूँ जिनको नहीं दिख रहा था,
कि कहाँ से चेक करता हूँ, जबकि मैं सब वीडियो में बताता हूँ। तो ये लग गया हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर, और अब जो है ये एसी सप्लाई से देके अभी यहीं से चेक करवा दे रहा हूँ। तो सीरीज बल्ब के द्वारा ही फिलहाल इसे ही चेक करवा दे रहा हूँ आपको। तो ये ऑन हो गया ये सिस्टम। अब जो है पहले मल्टीमीटर से आपको चेक करवा दे रहा हूँ। ये इसे 20 वोल्ट के रेंज में सब मल्टीमीटर नहीं बता पा रहा है। अगर आपके पास ऐसा मल्टीमीटर है कि यहाँ पे पल्स जो है इसको पढ़ रहा है यानी बता रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे वो जो दो लूप यहाँ पे जुड़ा हूँ, जहाँ पे 20 वोल्ट बता रहा था, यानी हर सिस्टम में अलग अलग वोल्टेज भी बताएगा। यानी किसी में 10 आता है, किसी में 12 आता है, किसी में 15 आता है, किसी में 13 आता है, इसमें 20 आता है, किसी में 21 आता है, किसी में 25 आता है। हर बिल्डिंग मशीन का अलग अलग डिज़ाइन होता है, सिस्टम होता है। अगर सेम डिज़ाइन रहेगा तो सेम वोल्टेज बताएगा। ये यहाँ पे 20 से 21 वोल्ट ये बता रहा है, ठीक एसी है, ठीक है, ध्यान से आपको सुनना है। और यहाँ पे आईजीबीटी के पास आ रहा हूँ अब, ये क्या नाम है, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर पे भी चेक करवा के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये कितना बता रहा है, लगभग 12 वोल्ट, 12.5 साढ़े 11 वोल्ट के आसपास, ठीक। तो ये दोनों तरफ बताना चाहिए, तो ये दोनों तरफ आ रहा है। ठीक, यानी अब आईजीबीटी पे आ जाना चाहिए। क्या है कि हाई फ्रिक्वेंसी रहता है यहाँ पे, तो मल्टीमीटर कहीं कहीं जो है ये यानी दोनों तरफ ये यहाँ पे भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अब वोल्टेज से ये क्या नाम है, बल्ब से भी चेक करवा दे रहा हूँ, यानी इधर इधर दोनों तरफ से आ रहा है। हर मल्टीमीटर बता नहीं पा रहा है, इसको भी आपको ध्यान देना है। और जैसे मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ बल्ब, ठीक जल रहा है। अब यहाँ पे ड्राइवर पे भी ठीक दोनों तरफ बता रहा है। अब आईजीबीटी पे यहाँ पे भी चेक करवा दे रहा हूँ, पहले तीसरे पे ठीक यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, चारों आईजीबीटी पे आ रहा है। यानी अब प्रॉपर एबीए आउटपुट देगा प्रॉपरली। तो यहाँ पे अब डीसी पे इसको करके 200 के रेंज पे मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे कर दिया हूँ। आपको बल्ब से 12 वोल्ट इंडिकेटर वाला बल्ब है बाइक का, मोटरसाइकिल का, वो 12 वोल्ट का जो है बल्ब है, और उससे भी चेक करवा दिया हूँ, और मल्टीमीटर से भी चेक करवा दिया हूँ। और अब इसका आउटपुट आपको यहाँ पे चेक करवा दे रहा हूँ ये, और उसके बाद में फिर फिट करने के बाद भी इसको ये यहाँ पे लगभग 53 वोल्ट के आसपास बता रहा है। तो अब जो है यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर ले रहे हैं, लगाने के बाद आपको इस स्पार्किंग भी चेक करवा दे रहे हैं, और डिस्प्ले वगैरह भी ऑन करके देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉलिंग कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है ये इतना जो इसका कनेक्टर वगैरह था सब लगा दिया हूँ, और अब जो है एसी सप्लाई यहाँ पे दे दिया हूँ, ये चालू हो गया। और यहाँ पे भी स्पार्क करके भी चेक कर ले रहे हैं हम लोग, स्पार्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये स्पार्किंग होने लगा, ये प्रॉपर ओके हो गया, ये ठीक अभी ओके हो गया, ठीक ओके। तो ये प्रॉपर ओके हो गया। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो मैं अपना व्हाट्सएप भी दे दिया हूँ, और ये 9453802056 9453802056 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस पर बताइए, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए, ठीक है। बाकी मैं बोल के भी और समझा के भी और दिखा के भी सब कुछ सिस्टम बता दे रहा हूँ। उसके बाद में भी बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ कि कोई क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है वो हमें आप जो है व्हाट्सएप करिए।